गाजीपुर में विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते रुके विकास कार्यों को गति देने पर मंथन किया गया। बैठक में करीब 2 दर्जन से अधिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा प्रतिमा काशीपुर के विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की जाती है, जिसमें विधायक द्वारा क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक नहीं हुई थी, जिसके बाद आज काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरभजन सिंह चीमा ने सभी विभागीय अधिकारियों को लॉकडाउन के चलते रुके विकास कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि काशीपुर में 2 फ्लाईओवर का निर्माण काफी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिससे क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून का मौसम नजदीक है और क्षेत्र में लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण न होने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बीच में ये मीटिंग होना बंद हो गया था, तो इसमें जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम से हों, पुलिस प्रशासन है, और इसके अलावा आपका निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग है, जल निगम है, जल संस्थान है जो बन रहे हैं, इनके पदाधिकारी, हमारे रोडवेज से संबंधित जो पदाधिकारी हैं और ARTO, ये सबको बुलाया जाता है। एसडीएम साहब के थ्रू ये सारा एजेंडा जाता है और ये मीटिंग जो है पहले भी होती चली आई, क्योंकि हर मीटिंग में किसी भी विषय पर जब चर्चा होती है तो उसके बीच में जो रिज़ल्ट आते हैं उनको दूसरी मीटिंग में उनका फिर उसके ऊपर पुनर्विचार की अगर आवश्यकता हो तो पुनर्विचार उन्हें किया जाता है, नहीं तो इस समय में अगर कोई और समस्याएं आ जाती हैं तो विभाग दर विभाग जिस विभाग से वो संबंधित हैं उसके ऊपर चर्चा की जाती। अभी तक तो हमारा जो विचार अभी एक ही नगर निगम के प्रति, हमारे तकरीबन 14 सवाल थे जिसकी जानकारी प्राप्त की जानी ज़रूरी थी, तो उसमें यहाँ पर हमारे नगर निगम के MNA और हमारी बहन उषा चौधरी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो जो भी ये वहाँ के लिए प्रश्न थे वो सारे डिस्कस किए गए हैं, और उनमें से कई अभी ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर अगली मीटिंग में फिर उन्हें विचार किया जाएगा। हमारा कहना ये था कि भाई जितने भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत जो विषय रखे गए थे उनको अलग से रख के उनके प्रस्ताव भेज दिए जाएं, जल्दी भेजे जाएं, ताकि अब तक लॉकडाउन के वजह से सारा मतलब विभागीय काम सब रुके हुए थे, अब शायद हम उम्मीद करते हैं कि काम दोबारा चालू हो जाएंगे, इसलिए जितनी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत 6 काम होने थे उनके ऊपर अब उन काम जो है विभागीय काम जो है वो चालू हो जाने चाहिए।